शहर में कल और आज हुई तूफानी बारिश के बाद शहर के बड़े ज़खायरे आब लबरेज हो चुके हैं और शहर के दो बड़े ज़खायरे आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे एक मरतबा फिर उठाए गए हैं, जिसका पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर की सतह मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद इसके चार दरवाजे 2 फीट ऊपर उठाए हैं और हिमायत सागर के 6 दरवाजे 2 फीट ऊपर उठाए हैं, जिसका पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जियागुड़ा जाने के लिए नए ब्रिज को बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को रोक दिया गया है और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ चादरघाट की सीमत मूसा नदी में छोटे बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, जहां बच्चे पानी से लुत्फंदोज हो रहे हैं। पेश है इस खसूस में यहां के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। साहब आपका नाम साहब? मेरा नाम ताहिर बिन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, ये जो अभी जैसा रोड के ऊपर से जो पानी जा रहा, ये कितने दिन से इसका जारी है पानी जाने का सिलसिला? पानी तो आज ओपन करे से गेट आ, कल बारिश होने से पूरा आज सुबह में 10-11 बजे ओपन करे से गेट आए। तो अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस या ये ऐसा रास्ता जो रुक जा रहा है, उससे किसी को तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बहुत है साहब, तकलीफ का तो बोल ही नहीं सकते, बहुत परेशान है पब्लिक। अभी उधर से आके मोइनाबाद या हिमायत सागर जाने वालों को कैसा जाना पड़ेगा? अब इधर से जाने वालों को किस्मतपुर, बल्कि किस्मतपुर गुदवेल राजेंद्र नगर से आसान राजनगर से आना चाहिए। अगर इधर से जाने वाला है तो इधर से भी जाना, तो ऐसा किस्मतपुर से जाना पड़ता। तो अभी इसके अंदर चेंजेस क्या लाना चाहिए? चेंजेस बोले तो अब इसको एक ब्रिज के सर का बनाए तो सही रहता समझो, यानी इसको हाइट करके बनना। तो इसके बारे में कोई भी इसके ऊपर कोई तवज्जो या कोई मुकामी एमएलए या कोई भी तवज्जो नजर है इसके ऊपर? सही, मुकामी एमएलए भी तो अब उन्हें क्या करेंगे, पिछड़े वालों की। अभी ये रोड जब टूट गई तो कुछ रिपेयर करे इसके? यहाँ रिपेयर कर रहे थे, अभी काम फाइनल पे था, फिर गेटा खोलने से फिर थोड़ा डैमेज होने के चांसेस है। फिर रोड आपका नाम? मेरा नाम उस्मान बिन अब्दुल्ला, बल्लागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मैं 11th वार्ड का कॉर्पोरेटर हूँ। ये जो रोड बल्लागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, MIM पार्टी का कॉर्पोरेटर हूँ 11th वार्ड का मैं। ये जो रोड आप जो देख रहे हैं, ये गच्ची बोली से शमशाबाद जाने की मेन रोड है। ये रोड पर डेली रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पब्लिक जाना आना है। 2020 में भी ये जब जिस वक्त दरवाजे ओपन हुए थे उस वक्त भी ये रोड उधर भी मतलब अभी मतलब कितने दिन से यहाँ पर पानी जा रहा रोड पे? ये करीब 8 दिन से जा रहा कंटिन्यू पानी है यहाँ पर। जो डेली जाने आने वालों को बहुत बड़ी मुश्किल हो रही। मेरा बहरहाल रिक्वेस्ट ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट से ये फ्लाईओवर अगर बना दिए तो बेहतर रहता, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेली जाना आना है यहाँ पर APRL जो डिपार्टमेंट है, और शमशाबाद एयरपोर्ट जाने करने के लिए, और शमशाबाद से इधर गच्ची बोली जाने करने के लिए, कोई पेशेंट को ले जाने करने के लिए, कोई डिलीवरी वगैरह कोई केस की वजह से ले जाने करने के लिए बहुत मुश्किल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ब्रिज को जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द, बहरहाल तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है, बनाए तो बेहतर रहता, क्योंकि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ఈ హిమాయత్ సాగర్ డ్యామ్ చెరువు నిండిపోయి డోర్స్ తెరడం వల్ల గతంలో ఒక నెల క్రితం కూడా ఇదే విధంగా రోడ్డు తెగిపోయి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది ప్రజలకు. తిరిగి మరొకసారి కూడా ఈ విధంగానే రోడ్డు తెగిపోయి ప్రజలకు ఏపీ ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, తిరిగి శంషాబాద్ గచ్చిగోలు శంషాబాద్ వెళ్ళడానికి దారి, రాజేంద్ర నగర్ వెళ్ళడానికి కూడా, ఆరాంఘర్ వెళ్ళడానికి కూడా దారి,
ప్రజలకు ఎంతో అసౌకర్యంగా ఇబ్బందికరంగా మారిపోయింది. యహాన్ పర్ కిసీ కో తక్లీఫ్ హో రహీ హై, ఐసా పానీ జా రహా హై ఔర్ రాస్తా బంద్ హై, తో తక్లీఫ్ హో రహీ హై ఆప్ లోగోన్ కో. చాలా మందికి ఇబ్బంది అవుతా ఉంటుంది. రాజనగర్ వెళ్లాలంటే కూడా తిరిగి కిస్మత్పూర్ నుంచి వెళ్లాలంటే కిస్మత్పూర్ నుంచి దారి బాగలేదు. తిరిగి ఆఫీసు వెళ్లాలంటే కూడా ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా కిస్మత్పూర్ నుంచి తిరిగి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. దర్గా గ్రామ ప్రజలకే కాకుండా చుట్టుపక్కల శంషాబాద్ నుంచి గచ్చిబౌలి వెళ్లే వారికి, హైటెక్ సిటీలో ఎంప్లాయీస్ కి, అనేక మందికి ఈ దారి వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. స్థానిక ఎంఎం కార్పొరేటర్ గారు కూడా దీని మీద కృషి చేస్తూ ఉంటున్నారు. తిరిగి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఇది శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం, ఒక బ్రిడ్జ్ వేసి దాదాపు 10-12 డోర్లు ఇప్పినా కూడా ఎలాంటి రాకపోకలకు ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా